हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं किसी भी लैपटॉप को क्लीन फॉर्मेट बूटेबल यूएसबी पेन ड्राइव के ज़रिए से कैसे कर सकते हैं। काफ़ी आसान है दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है गाइज, मैंने अपने प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। प्लीज़ आप लोग चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में विज़िट करिए, वहाँ पे आपसे जो भी रिलेटेड टॉपिक है उन टॉपिक को देखिए। अगर आपको लगता है किसी और टॉपिक पे मुझे वीडियो अपलोड करना चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए और मुझे बताइए, मैं उन टॉपिक पर भी वीडियो बना के आपको अपलोड करके बता दूँगा। तो गाइज़ आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे पेन ड्राइव है जो कि 8 GB का है, जिसमें मैंने ISO बूटेबल ऑलरेडी बना रखा है। पेन ड्राइव को किसी भी एक वर्किंग USB पोर्ट में कनेक्ट कर लेंगे लैपटॉप के, या पर्टिकुलर कोई भी डेस्कटॉप हो या कोई लैपटॉप हो, ठीक है। उसको हम स्टार्ट करेंगे और वहाँ पे हमें सिंपल क्या करना है, जो भी हमारा BIOS का की होगा, यानी कि जो हमें डायरेक्टली लैपटॉप के हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव के बीच में बूट मेन्यू में लेके जाए, वो वाले की को हम प्रेस करेंगे। हमारे पास F9 है तो हम F9 को प्रेस किए हैं। डायरेक्टली आप यहाँ पे देख सकते हैं UEFI पहला ऑप्शन है, दूसरा भी UEFI स्कैन डिस्क है, जो हमारा पेन ड्राइव है हम उसको सिलेक्शन करेंगे। UEFI पेन ड्राइव को हम सेलेक्ट करेंगे, उसको एंटर कर लेंगे। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और पेज ओपन होता है जो हमारा विंडोज़ का पेज है। ये 64 है, 32 बिट है, तो हमें 64 वाला ऑप्शन चूज़ करना है, क्योंकि आफ्टर ऑल अभी के जितने भी एप्लीकेशन है सब 64 बिट पे वर्क कर रहे हैं, तो हमें भी 64 वाला ही ऑपरेट करना है। तो 64 बिट वाला हम ऑप्शन चूज़ कर लेंगे, एंटर हिट करेंगे और वो थोड़ी देर के लिए हम रुक जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि वो आगे का प्रोसेस खुद कंप्लीट करेगा। तब तक के लिए हमें इंतज़ार करना है। गाइज काफ़ी आसान चीज़ है और काफ़ी ईजी है, मतलब एक बार अगर आपने स्टार्ट टू एंड देख लिया तो आई होप आपको नेक्स्ट वीडियो पे विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही सिंगल वीडियो में आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से आप लैपटॉप को फॉर्मेट कर सकते हैं या पर्टिकुलर डेस्कटॉप को क्लीन फॉर्मेट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर हमें कुछ करना, चेंजेस नहीं करना है, यहाँ पर हमें सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। क्लीन फॉर्मेट इस कैसा है कि आपका सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, टोटल ड्राइव आपका फॉर्मेट हो जाएगा। अगर इन केस आपने कभी सी ड्राइव को 150 GB या डी ड्राइव को 200 GB, इस तरह से मतलब कम ज़्यादा के स्टोरेज में कैपेसिटी में बना रखा है, तो वो सिचुएशन में आपने अगर एक बार क्लीन फॉर्मेट किया तो वो आराम से आप बना सकते हैं आपके हिसाब से। इसको आई एक्सेप्ट पे चेकमार्क करना है और इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे सेम आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, यहाँ पे आपको एक एक स्टेप्स आराम से दिखाया गया है कर्सर के, आप कर्सर को भी ध्यान देंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कस्टम वाले दूसरे वाले ऑप्शन को सिलेक्शन लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास पार्टीशन इतने सारे हैं, तो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंगल सिंगल पार्टीशन को एक एक सिंगल क्लिक करूँगा और डिलीट करूँगा, सिंगल क्लिक करूँगा डिलीट करूँगा। इसका ये मतलब है कि जितने हमारे पास पार्टीशंस हैं सबको पहले मैं डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं क्लीन फॉर्मेट कर रहा हूँ। गाइज आप लोगों को बताना चाहूँगा, जब भी आप किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप को फॉर्मेट करो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपका डेटा बैकअप कर लीजिए। डेटा बैकअप करने का मतलब ये होता है कि आपके अंदर जो लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर आपका जो वर्किंग कंडीशन वाला डेटा होता है, चाहे वो ऑफिस का डेटा हो या होम यूज़ का डेटा हो, जो भी आपका डेटा हो XYZ, पर्टिकुलर डेटा को कॉपी करके आप अलग वाले पेन ड्राइव में, अलग हार्ड डिस्क में कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए। उसको हम डेटा बैकअप बोलते हैं IT लैंग्वेज में, अदरवाइज उसको डेटा कॉपी भी बोल सकते हो, डेटा बैकअप हम बोलते हैं, राइट है। इसको सिंगल सिंगल हम देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंगल सेलेक्ट कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, सेलेक्ट कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। तो यही आपको भी करना है अगर आप क्लीन फॉर्मेट कर रहे हैं तो। अदरवाइज अगर क्लीन फॉर्मेट नहीं कर रहे हैं, सिंगल पार्टीशन सी ड्राइव को डिलीट करना है, फॉर्मेट करना है, तो सिंगल सी को आप पहले देख लीजिए कि कितना पार्टीशन, कितना GB का पार्टीशन है, उस हिसाब से आप इसको क्लिक करिए। नहीं तो ये थोड़ा सा रिस्की भी है, अगर से आपने सिंगल पार्टीशन फॉर्मेट कर रहे हैं तो गलती से आपका सी की जगह DB फॉर्मेट हो जाता है कभी कभी। तो हमें यहाँ पे 200 GB लेना है, सी पार्टीशन को 2 लिख के यहाँ पे 5 times 0 कर देंगे, 200 195 के आसपास हो जाता है, आप देख सकते हैं। और सी को हम टोटल ले लेंगे 736 जो हमारा पार्टीशन है, और इसको हम डी को फॉर्मेट भी कर देते हैं, क्योंकि अगर हम फॉर्मेट कर देंगे तो डायरेक्टली हमारा दिस PC में, जब हम फॉर्मेट करके अंदर जाएंगे कंप्यूटर में, जब हमारा स्टार्टिंग विंडोज़ आएगा वहाँ पे हमें ये दिख जाएगा, ठीक है। सिंगल उसको क्लिक करना है, फॉर्मेट करना है, ये हमारा दोनों पार्टीशन फॉर्मेट हो गया है। फॉर्मेट होने के बाद सी को हम सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अगर आपने गलती से डी को सेलेक्ट करके, यानी कि ज़्यादा का जो आपका पार्टीशन है उसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दिया, तो आपका विंडोज़ वो ज़्यादा वाले स्टोरेज में कॉन्फिगर हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है।
है, सी को सिलेक्शन लेना है। अगर आपने 300 GB या 200 GB का जो भी पार्टीशन है आपका सी का, उसको सेलेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है, ठीक है। कभी कभी होता है जब हम फॉर्मेट करते हैं उस वो सिचुएशन में क्या होता है, जब हमने फॉर्मेट का पूरा परफॉर्मेंस कर दिया है और हमारा ड्राइव अंदर नहीं दिखता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ गलत किया है। गलत मीन्स यही होता है, जब हम फॉर्मेट करते होते हैं, डिलीट कर रहे होते हैं पार्टीशन को, सेलेक्ट जब हम नया क्रिएट करते हैं, वो टाइम पर हम क्रिएट तो कर लेते हैं, क्रिएट करने के बाद वहीं पे हमें एक फॉर्मेट का ऑप्शन होता है जो अभी आपने यहाँ पे देखा है, उसको सिंगल क्लिक करके अगर फॉर्मेट कर देंगे तो आपका जब कंप्लीट विंडोज़ लोड हो जाता है, दिस पीसी पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे सी डी ई जितने भी पार्टीशंस हार्ड डिस्क कैपेसिटी के हिसाब से जितना भी होता है, वहाँ पे आपको एक एक करके पार्टीशन दिख जाता है। अगर आपने वो प्रोसेस नहीं किया है तो आपका सिर्फ और सिर्फ सी दिखता है, बाकी का डी ई एफ डिस्क मैनेजमेंट के अंदर हाइड रहता है। तो फिर जाके आपको डिस्क मैनेजमेंट कंप्यूटर के अंदर जाके दिस पीसी में जाके डिस्क मैनेजमेंट में जाके वो आपको इनेबल करना होता है, फॉर्मेट करना होता है, ठीक है। अगर वही आपने पहले प्रोसेस कर लिया तो आपको बीच में जाके वो सब करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये काफ़ी एक आसान प्रोसेस है कोई भी विंडोज़ फॉर्मेट करने के लिए। सबसे पहले रिक्वायरमेंट होता है आपके पास 8 GB का पेन ड्राइव हो, पेन ड्राइव के साथ साथ आपके पास ISO सेटअप होना चाहिए। ISO सेटअप अगर आपने ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट की साइट से जाके डाउनलोड किया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया है तो कोई बात नहीं, मैंने इसके पहले भी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं किस तरह से आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वेबसाइट पे जाके, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके विंडोज़ 10 के विंडोज़ 11 के ISO फाइल्स को डाउनलोड करना है, वो आप वहाँ पे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। ISO फाइल डाउनलोड किस तरह से करना है वो भी मैंने दिखाया है, और आपको डायरेक्टली बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना है, चाहे वो विंडोज़ 10 हो या विंडोज़ 11, वो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप वहाँ पे भी जाके विजिट करके देख सकते हैं चैनल पे। तो ये काफ़ी इजी भी हो जाएगा आपके लिए, अगर चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देखेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बड़े बड़े टॉपिक्स भी हैं वहाँ पे, आपसे जो भी रिलेट करता है टॉपिक आप उन टॉपिक्स को जाके विजिट करिए। अगर एक बार आपने वीडियो को स्टार्ट टू एंड देख लिया कोई भी टॉपिक का वीडियो, तो आई होप सेम टॉपिक पे आपको सेम वीडियो या किसी और का वीडियो कहीं और से जाके विजिट करने के देखने की ज़रूरत नहीं होगी। ये हमारा रीस्टार्ट के लिए पूछ रहा है, अगर आप कोई भी की प्रेस करते हैं तो रीस्टार्ट हो जाएगा, अगर की नहीं प्रेस करते तो ये 10 सेकंड के अंदर में रीस्टार्ट हो जाते हैं, जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं। अभी इस सिचुएशन में हमें पेन ड्राइव को लगा के रखने की ज़रूरत नहीं है, पेन ड्राइव को निकाल दीजिए। ये आगे का काम खुद जो हमने अभी तक इंस्टॉल किया है वो वहाँ से स्टार्ट करेगा, हमारे अब पेन ड्राइव की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो आप पेन ड्राइव को निकाल दीजिए और आपका सिस्टम ऑटोमेटिक ये लोड करेगा, आगे के स्टेप्स के लिए खुद को ये प्रिपेयर करेगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक के लिए हमें इंतज़ार करना है। चाहे लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो, आपका इस तरह से अगर आपने बूटेबल पेन ड्राइव बनाया है तो आप लैपटॉप को क्लीन फॉर्मेट कर सकते हैं, नॉर्मल सिंगल पार्टीशन फॉर्मेट कर सकते हैं, चाहे लैपटॉप हो या डेस्कटॉप। गाइस अगर आप सिंगल पार्टीशन फॉर्मेट कर रहे हैं डेस्कटॉप का या लैपटॉप का, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपका जो भी पार्टीशन आप फॉर्मेट करने वाले हैं उसको रीनेम कर लीजिए। रीनेम करने का मतलब ये है कि आप उसको XYZ नाम मत दीजिए। नाम देने का मतलब ये है कि कभी कभी वो जब हम फॉर्मेट करने जाते हैं तो वहाँ पर हमें दिखता नहीं है, तो उससे बेटर है आप वहां पे कुछ न्यूमेरिक नंबर्स दे दीजिए, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 1, ऐसे कुछ नंबर्स दे दीजिए जिससे आपको वो ध्यान रहे कि मैंने ये नंबर दिया था, ये हमारा सी ड्राइव का पार्टीशन है। जो आपको अंदर जब आप बायोस में जाएंगे फॉर्मेट करने के लिए जाएंगे आपके लैपटॉप को या डेस्कटॉप को, तो वहाँ पे आपको वो नंबर से रिफ्लेक्ट होगा और आपको वो कैलकुलेट हो जाएगा कि यही चीज़ हमें फॉर्मेट करनी है, आपका मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। मिस्टेक नहीं होगा तो आप बड़ी गलती से बच जाओगे। बड़ी गलती से बचने का मीन्स ये है कि आपका जो कोई और पार्टीशन फॉर्मेट होने से बच जाएगा जिसमें आपका इंपॉर्टेंट डेटा रखा है। अगर एक बार वो डेटा फॉर्मेट हो गया, हार्ड ड्राइव फॉर्मेट हो गया, तो आपको वो रिटर्न नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करनी है, यूनाइटेड स्टेट ले लेते हैं, ठीक है। रीजन के हिसाब से यूनाइटेड स्टेट हमने यहाँ पे सिलेक्शन ले लिया है। यहाँ पे हम इंग्लिश इंडिया सिलेक्शन ले लेते हैं। लैंग्वेज कीबोर्ड का कौन सा रखेंगे, तो यहाँ पे इसको हम यस कर लेंगे, इसको स्किप कर देंगे।
यहाँ पे वाईफाई का सिलेक्शन करना है, लेकिन वाईफाई का सिलेक्शन अभी नहीं करना है आपको, यहाँ पे मतलब स्किप कर देंगे इसको, कंटिन्यू विथ लिमिटेड सेटअप पे से क्लिक कर लेंगे हम। यहाँ पे आपको नाम डालना है, आपका जो भी नाम डाल सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी या एडमिन। मैं यहाँ पे मेरा यूट्यूब चैनल का नाम डाल रहा हूँ, जैसे कि आपको पता ही है अपने यूट्यूब चैनल का नाम है ग्रो योर नॉलेज, तो हम यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल का नाम डालेंगे ग्रो योर नॉलेज। यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे। पासवर्ड अभी नहीं डालना है हमें, इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे हमें एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे भी हमें एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। ये लैपटॉप रिस्टार्ट हुआ है ऑटोमेटिक, और ये अभी आपका जो सेटअप चल रहा है ये फाइनल है। अब इसके बाद आपका नॉर्मल विंडोज आ जाएगा। तो गाइस काफ़ी आसान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई इसको फॉर्मेट कर सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके पास बूटेबल ISO पेन ड्राइव होना चाहिए, अगर नहीं है तो मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पे एक वीडियो बना रखा है, आप चैनल पे जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, वहाँ पे मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है। एक बार आपने वीडियो देख लिया तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। मिनिमम 8 GB पेन ड्राइव की रिक्वायरमेंट होती है, और मैक्सिमम है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब भी आप बूटेबल पेन ड्राइव बनाओ, पेन ड्राइव के अंदर कोई आपका पर्सनल ऐसा डेटा ना हो जो आपका इरेज हो जाए, जो आपको बाद में फिर पछताना पड़े कि हमारा डेटा लॉस हो गया। सबसे पहले ये है कि जो भी आप पेन ड्राइव पे बूटेबल बनाओ उसके अंदर कोई भी आपका डेटा नहीं होना चाहिए। अगर डेटा है, अगर आपको इरेज करना है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपका कुछ ऐसा डेटा नहीं होना चाहिए जो लॉस होने के बाद आपको काफ़ी उसके ऊपर सोचना पड़े। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और फिर इसके बाद नॉर्मल विंडोज़ आएगा, ये चालू हो जाएगा लैपटॉप। गाइज़ आप देख सकते हैं ये हमारा विंडोज़ रेडी हो चुका है, जो कि हमारा होम स्क्रीन आ चुका है। अभी मैं इसको एक बार लॉक करके दिखा देता हूँ, विंडोज़ एल करके इसको लॉक कर सकते हैं। ये हमारा नॉर्मल बेसिक विंडोज़ जो सेटिंग जो स्क्रीन होता है वो स्क्रीन आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा चैनल का नाम है, जो हमने नाम दिया था यूज़र नेम की जगह पे ग्रो योर नॉलेज, वो यहाँ पे दिख रहा है। इसको साइन इन कर देंगे, हमने पासवर्ड नहीं डाला है। तो
आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।